वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। मेरी आज की वीडियो इस हवाले से है कि बच्चों की मैथ की काउंटिंग को मजीद इम्प्रूव करने के लिए कैसी वर्कशीट्स होनी चाहिए। वर्कशीट से स्टूडेंट्स खेल खेल में अच्छे तरीके से सीख लेते हैं और ये काम इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। कलर द सेम नंबर ऑफ सर्कल टू मेक द नंबर ऑन लेफ्ट। लेफ्ट में जो डिजिट है उसको देखकर इतने सर्कल्स में कलर करना है। फोर, कलर द फोर सर्कल लाइक दिस, वन टू थ्री एंड फोर। एंड व्हाट इज इट? इट इज सिक्स। कलर द सिक्स सर्कल, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। इस तरीके से आप ये सारी वर्कशीट हल करवाएं। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट ईच मिसिंग नंबर, यानी कि जो डिजिट इसमें मिस है वो डिजिट बच्चे ने लिखने हैं। टू, थ्री इज मिस, फोर इज मिस, फाइव लिखा हुआ है एंड सिक्स इज मिस। थ्री मिस, फोर एंड फाइव इधर नहीं है, बच्चे ने लिखना है सिक्स है और सेवन बच्चे ने लिखना है। इस तरीके से आप ये सारी वर्कशीट कंप्लीट करवाएं। द नेक्स्ट वर्कशीट इज अबाउट डिक्टेशन। इधर एक एप्पल मैंने बनाया है, इसमें आप कलर करवाएं। जब बच्चा कलर करेगा तो ये इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कलर करवाने के बाद आप इसमें डिक्टेशन करवाएं, चाहे आप 1 से 50 तक करवाएं या 51 से 100 तक। अगर बच्चे की काउंटिंग अच्छी है तो आप जो डिजिट बोलेंगे बच्चा आसानी से इसके अंदर लिखेगा। जैसे कि आप बोलें 21 और इधर लिखवाएं 21, 39, दरमियान दरमियान में से आप बोलती जाएं, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की काउंटिंग में कोई कमी है या नहीं है। द नेक्स्ट वर्कशीट इज काउंट एंड मैच। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और इधर डिजिट है, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उससे रिलेटेड डिजिट के साथ उसको एक लाइन के जरिए मैच करना है। हाउ मेनी लीव्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड वेयर इज सिक्स डिजिट जे। अब सिक्स लीव्स को सिक्स डिजिट्स के साथ एक लाइन के जरिए मैच करना है लाइक दिस। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, वन टू थ्री फोर, एंड वेयर इज द फोर डिजिट, ये फोर है इसके साथ मैच करना है। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, वन टू थ्री, थ्री के साथ एक लाइन के जरिए मैच करवाएं। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट के साथ मैच करवाएं। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन डिजिट के साथ इसको मैच करवाएं। वर्कशीट नंबर फाइव काउंट एंड कलर, इधर काउंट करवाएं और जो उससे रिलेटेड डिजिट है उस बॉक्स को कलर करवाएं। हाउ मेनी फिशेज आर देयर, वन टू थ्री, बॉक्स नंबर थ्री को फिल करें। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव, बॉक्स नंबर फाइव कलर करना है। हाउ मेनी सन आर देयर, वन, बॉक्स नंबर वन कलर करें। हाउ मेनी अम्ब्रेलाज आर देयर, वन टू थ्री, बॉक्स नंबर थ्री कलर करवाएं। द नेक्स्ट वर्कशीट इज अबाउट पजल। पजल बच्चे के लिए बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होते हैं। पजल ये है कि हाई लाइट द काउंटिंग 1 टू 50। यहाँ मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया और एक एंडिंग पॉइंट भी। इसमें 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग तरतीब से लिखी हुई है और दरमियान में बगैर तरतीब के भी कुछ डिजिट हैं। बच्चे ने सोच कर तरतीब से जितने भी डिजिट हैं, बच्चे ने इन डिजिट्स को सोच कर तरतीब से हाई लाइटर की मदद से मिलाना है इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मूव टू राइट 13, 14, 15। अब बच्चा आगे देखेगा कि 14 के बाद तो अगर आगे जाए तो 7 है, आगे पीछे उसे कहें देखे एंड मूव टू अप 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्योंकि 20 से आगे 24 है, 20 से आगे 21 होना चाहिए था, उसे कहें ऑब्जर्व करें लेफ्ट टू राइट 21 के दर है एंड मूव टू राइट 21,
23 के लिए उसे फिर नीचे की तरफ मुड़ना होगा, मूव टू डाउन 23, 24, 25, 26, 27, 28, मूव टू राइट 29, 30, मूव टू अप 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, इधर रुक जाएगा बच्चा, 37 के बाद 42 आ रहा है, ऑब्जर्व करेगा लेफ्ट टू राइट, मूव टू राइट 38, 39, मूव टू अप 40, मूव टू राइट 41, 42, 43, 44, मूव टू डाउन 45, 46, 47, 48 एंड 49 एंड 50. स्टार्टिंग पॉइंट से उसे शुरू करवाएं और एंड पॉइंट तक इस तरीके से लाएं, बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा और बच्चा बहुत जल्दी इस तरीके से सीखेगा. नेक्स्ट वर्कशीट है फाइंड 23. इधर मैंने 23 लिखा है, आप कुछ और डिजिट भी लिख सकते हैं जिसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करवानी है. उससे रिलेटेड मैंने कुछ फिगर्स इधर लिखे हैं, जैसे कि 21, 23, 3, 32, 31, 23, 13, 32. मतलब 3 को मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, लेकिन इसने सिर्फ 23 को हाईलाइट करना है इस तरीके से. 23, 23, 23 एंड 23. आप हर नए डिजिट के बाद एक इस तरह की वर्कशीट तैयार करके दे सकती हैं. नेक्स्ट वर्कशीट मैथ मिस्ट्री पिक्चर. इधर मैंने एक सीनरी बनाई है और उसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट को मैंने एक नंबर दिया है और हर नंबर के लिए मैंने एक कलर लिखा है, जैसे कि 1, 2 ब्लू, यानी कि जितर जितर 1 और 2 है उसके अंदर ब्लू कलर करना है. इस वर्कशीट से आपका बच्चा दो चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन कर लेगा, एक तो उसे डिजिट की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और दूसरा उसे कलर की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी. 1, 2 में इस तरीके से वो देख कर ब्लू कलर करेगा, 1 एंड 2 रेड, जितर जितर 3 है वहां रेड करना है. अब वो पहले 3 को ढूंढेगा और फिर उसके बाद रेड कलर को चुनेगा, तो साथ 3 की भी आइडेंटिफिकेशन होगी और रेड कलर की भी आइडेंटिफिकेशन होगी. 9 ब्राउन, जितर जितर 9 है उधर उसने ब्राउन कलर करना है इस तरीके से. 8 जिधर जिधर 8 है 8 की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और ग्रीन कलर की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी. 9 उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट्स बहुत पसंद आई होंगी. अपने बच्चों को इस तरीके से वर्कशीट्स घर में तैयार करवा के काम करवाएं, बच्चा आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेगा और खेल खेल में वो बहुत कुछ सीखेगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स.